हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लखनऊ समझौता यानी कि लखनऊ पैक्ट। तो बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर वन, जिसमें आपको पढ़ना है नेशनलिज्म इन इंडिया यानी भारत में राष्ट्रवाद, यही सिलेबस है आपका फिफ्थ सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर वन का और आपको यही पढ़ना है। तो उसकी क्लास मैंने शुरू कर दी है और पूरा 7 यूनिट तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 8 शुरू कर रहे हैं और यूनिट नंबर 8 में आपको लखनऊ समझौता के बारे में पढ़ना है और होम रूल मूवमेंट के बारे में पढ़ना है। तो पहले लखनऊ समझौता है इसलिए हम इसे पढ़ेंगे, इसके बाद अगली वीडियो में हम होम रूल मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे जिसको बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया। तो लखनऊ समझौता हम देख लेते हैं और ये बता देती हूँ कि 7 यूनिट 1 से लेकर 7 तक कंप्लीट हो चुकी है नोट्स के साथ। आज का वीडियो यूनिट नंबर 8 है। तो लखनऊ समझौता ये जानते हैं, जिसको लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो आखिर क्या है लखनऊ समझौता? तो सबसे पहले ये याद रखिए कि लखनऊ समझौता कब हुआ, 1916 में हुआ। लखनऊ समझौता की दो मुख्य बातें हैं। पहली बात तो ये है कि नरम दल, गरम दल और नरम दल दोनों के मध्य में समझौता होता है। देखिए, आप लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले कि कांग्रेस का विभाजन हो गया था 1907 ईस्वी में। सूरत में कांग्रेस का विभाजन हुआ था क्योंकि कांग्रेस के जो नेता थे उनके विचार मिल नहीं रहे थे, वैचारिक रूप से एकदम अलग थे वो लोग। तो इस कारण 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया और कांग्रेस दो दलों में बट गया, एक गरम दल और एक नरम दल। तो दोनों के विचार अलग थे, बहुत अलग थे, जो कि आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ। लेकिन जब लखनऊ का पैक्ट होता है, लखनऊ समझौता जब होता है 1916 ईस्वी में, तो गरम दल और नरम दल दोनों के नेताओं के मध्य में एक समझौता होता है और ये दोनों दल करीब आ जाते हैं, निकट आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ मिल करके कार्य करने को तैयार हो जाते हैं। जितने भी राजनीतिक कार्य थे वो करने के लिए तैयार हो गए थे कि अब हम एक साथ ही मिलकर काम करेंगे। तो आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि अलग अलग विचार वाले नेताओं ने भी मिलकर काम करने के बारे में सोच लिया? तो ये आपको आज पढ़ना है, सब बताऊंगी। लखनऊ पैक्ट की दूसरी महत्वपूर्ण बात, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य भी समझौता हुआ। देखिए, 1905 में बंगाल विभाजन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, सारा कुछ आप पढ़ चुके हैं इसके पहले वीडियो में। तो जब 1905 में कांग्रेस 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो फिर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। किस तरह से हुई ये यूनिट नंबर 7 में आप पढ़ चुके हैं। तो मुस्लिम लीग की जब स्थापना की जाती है तो कांग्रेस के नेता मुस्लिम लीग के विरोध में थे कि मुस्लिम लीग की स्थापना नहीं होनी चाहिए, मतलब जब एक पार्टी है भारत में तो दूसरी पार्टी की क्या ज़रूरत है। लेकिन तब भी कुछ नेता लोग मिल करके मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं और मुस्लिम लीग के नेता कांग्रेस का विरोध करते हैं। लेकिन ऐसी क्या परिस्थितियां बन जाती हैं कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक दूसरे के साथ होकर काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं और क्या समझौता इनके मध्य होता है? और जो समझौता होता है वो लखनऊ में होता है, इसीलिए इसको लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है, जो 1916 ईस्वी में हुआ था। तो हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। अब देखिए, लखनऊ में अधिवेशन होता है कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का, दोनों का ये अधिवेशन होता है जिसमें दोनों के मध्य समझौता हो जाता है और एक साथ मिलकर काम करने को तैयार हो जाते हैं कि जितना भी राष्ट्रीय आंदोलन होगा हम उसमें मिलकर के काम करेंगे। तो इसमें कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे लखनऊ अधिवेशन में, वो थे अंबिका चरण मजूमदार, इनकी अध्यक्षता में अधिवेशन होता है। और मुस्लिम लीग के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये यहाँ से मुस्लिम लीग की अध्यक्षता ये करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण पॉइंट है लखनऊ पैक की, ये मुख्य बातें हैं। नरम दल गरम दल भी मध्य समझौता होता है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य भी समझौता है, मतलब क्या परिस्थितियां बनती हैं कि ये सब एक दूसरे के करीब आते हैं, मिलकर काम करने को तैयार होते हैं। आइए अब उनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लखनऊ जो समझौता है उसमें सबसे पहले हम कांग्रेस के दो अलग अलग दलों के समझौते को जानेंगे।
कि किन कार्डों से गर्म दल और नरम दल के मध्य समझौता हुआ। तो पहली हेडिंग आपकी बन जाएगी गर्म दल और नरम दल के मध्य समझौता का कारण। देखिए ये दोनों दल कैसे निकट आए जबकि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी थे। तो एक तरफ हमने नरम दल को लिखा हुआ है, एक तरफ गर्म दल को लिखा हुआ है, दोनों के कारण यहाँ लिखे हैं। यही जो एक मत कारण बनते चले गए, यही कारण आपको मैं बताऊंगी, इन्हीं के कारण, इन्हीं कारणों के चलते दोनों के मध्य समझौता होता है लखनऊ अधिवेशन में। तो देखिए 1916 में लखनऊ समझौता हुआ, तो हम परिस्थितियाँ तो पहले से समझेंगे ना कि कैसे परिस्थितियाँ बनती गईं। बात करें 1916 की, तो 1916 का जो समय था उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हो गया था और 1918 तक चला था। तो 1916 का समय है लखनऊ समझौते का और प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है। और जब कांग्रेस का विभाजन 1905 में हुआ था तो उस समय तक स्वदेशी आंदोलन भी समाप्त हो गया था। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये नरम दल के नेता थे, नरम दल के नेता थे। ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं यूनिट नंबर 4-5 के अंतर्गत, सब पढ़ा चुकी हूँ आपको। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये नेतृत्व कर रहे थे नरम दल का, तो इनकी मृत्यु हो जाती है 1915 ईस्वी में। और एक और बड़े नेता थे नरम दल के फिरोज शाह मेहता, तो ये दोनों महान नेता जो कि नेतृत्व कर रहे थे नरम दल का, राजनीतिक कार्यों को बढ़ावा दे रहे थे, तो 1915 में इन दोनों महान नेताओं की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए जब भी कोई संस्था चलाई जा रही है या फिर कुछ भी, तो जो उसको नेतृत्व करने वाला होगा, जो नेतृत्व करता ही होगा, अगर उनकी मृत्यु हो जाए तो फिर क्या होता है, परिस्थितियाँ कैसी हो जाती हैं कि वो दल हो या संस्था हो या कोई संगठन हो वो कमज़ोर पड़ने लगता है, क्योंकि अब उसकी लगाम को चलाने वाला कोई होता नहीं है। तो नरम दल में कुछ ऐसी स्थिति बन गई थी कि उसके नेतृत्वकर्ता गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 1915 ईस्वी में हो गई थी। उसके बाद हम देखते हैं अगला क्या कारण था। नरम दल का नेतृत्व जो था अब वो कमज़ोर हो चुका है क्योंकि इन लोगों की मृत्यु हो गई, और नरम दल का नेतृत्व करने के लिए अब कोई ऐसा नेता नहीं है जो कि इसका नेतृत्व करे और राजनीतिक कार्यों को बढ़ावा दे सके। तो क्या होता है कि राजनीतिक स्थिति में शून्यता आ गई, नरम दल के नेता अब कोई भी इस तरह के कार्य नहीं कर पा रहे थे जिससे कि ब्रिटिश सरकार को क्या किया जा सके, चुनौती दी जा सके और सत्ता को प्राप्त किया जा सके। लेकिन देखिए उसके अलावा बात करें हम एनी बेसेंट की, जो कि एनी बेसेंट जो थी एक राजनीतिज्ञ के रूप में एक्टिव हो चुकी थी 1914-15 के करीब। एनी बेसेंट जो थी राजनीतिक रूप से अब एकदम सक्रिय हो चुकी थी, और ये वो महिला थी जो थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी। इन्होंने सोचा कि नरम दल और गरम दल के नेताओं में अगर समझौता हो जाए, वो करीब आ जाएं, तो काम करना और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि देखिए मुद्दे बहुत थे। 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। मुद्दे बहुत थे लेकिन नेता मुद्दे उठा नहीं पा रहे थे क्योंकि स्थिति कुछ इस तरह की हो गई थी कि जो राजनीतिक स्थिति थी उसमें एकदम से शून्यता आ गई थी, कोई कुछ काम नहीं कर पा रहा था, बड़े तौर पर बड़े पैमाने पर कोई आंदोलन नहीं किया जा रहा था। तो एनी बेसेंट चाहती थी कि अगर नरम दल और गरम दल के नेताओं के बीच में करीबी आ जाए, समझौता हो जाए, तो कार्य करना आसान हो जाएगा। और देखिए 1909 ईस्वी में जो मार्ले मिंटो सुधार आया था, मार्ले मिंटो सुधार में मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया था जिससे कि कांग्रेस संतुष्ट नहीं थी। तो ये कुछ कारण थे, नरम दल मतलब कुछ ऐसी स्थिति थी कि अब ये कोई कार्य नहीं कर पा रही थी इस समय के चलते। अब इधर देखते हैं गरम दल में, हम बात करते हैं गरम दल में 1908 ईस्वी से। देखिए 1908 ईस्वी में विपिन चंद्र पाल जो थे उन्होंने संन्यास ले लिया।
देखिए, गरम दल के नेताओं में हमने बाल पाल लाल को पढ़ा और अरविंद घोष को पढ़ा, जो कि गरम दल के महान नेता थे, महत्वपूर्ण नेता थे। विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष, ये चार महत्वपूर्ण नेता गरम दल के थे। तो अब यहाँ कुछ इस तरह की परिस्थिति बन गई है गरम दल में। 1908 में विपिन चंद्र पाल ने संन्यास ले लिया। उसके अलावा अरविंद घोष, ये अलीपुर षड्यंत्र केस से बरी हुए थे और बरी होते ही वो पांडिचेरी चले गए और पांडिचेरी जाकर वो आश्रम की स्थापना करते हैं, जहाँ पर वो अब अपना बचा हुआ जीवन व्यतीत कर देते हैं। तो अब देखिए, जब महान ये सब महत्वपूर्ण जो नेता हैं, अब वही लोग पार्टी में नहीं रहेंगे, दल में नहीं रहेंगे, तो कैसे राजनीतिक स्थिति को मजबूत बनाया जाएगा। तो कुछ ऐसा ही स्थिति आ गई थी कि राजनीतिक स्थिति में पूरी तरह से शून्यता आ चुकी थी। उसके अलावा लाला लाजपत राय, जो कि गरम दल के नेता थे, ये अमेरिका चले गए। उसके अलावा 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें 6 वर्ष की सज़ा दे दी गई और 6 वर्ष की सज़ा को काटने के लिए इन्हें मांडले जेल में भेज दिया गया। अब देखिए, विपिन चंद्र पाल ने भी संन्यास ले लिया, अरविंद घोष भी बरी होते ही पांडिचेरी चले गए, लाला लाजपत राय अमेरिका चले गए, बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की सज़ा में जेल में डाल दिया गया। तो गरम दल के अब जो भी महत्वपूर्ण नेता हैं, वो है नहीं कि इसको बढ़ाया जा सके और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए कोई आवाज़ उठाई जा सके और ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ कुछ किया जा सके। तो दोनों दलों में ऐसी ही परिस्थितियाँ आ गई थी कि अब ये लोग मिलकर काम करना चाहते थे। तो फिर देखिए क्या होता है 1914 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक जेल से रिहा होते हैं, जेल से वापस आ जाते हैं, क्योंकि 6 वर्ष पूरा कंप्लीट हो गया। और जब ये जेल से बाहर आते हैं, तब ये देख रहे हैं कि जो आंदोलन चल रहा था, स्वदेशी आंदोलन के बारे में यूनिट नंबर 6 में आपको पढ़ा चुकी हूँ, इसके पहले वाली वीडियो में। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ और देखिए, जब बंगाल का विभाजन हुआ था, तभी से स्वदेशी आंदोलन तेज़ी से बड़े ज़ोर शोर से चलाया जा रहा था। तो फिर 1908 में तो ये गिरफ़्तार ही हो गए थे। उसके बाद ये आते हैं 1914 में वापस, और जब ये 1914 में जेल से वापस आते हैं, तो ये देखते हैं कि स्वदेशी आंदोलन पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और राजनीतिक स्थिति में पूरी तरह से शून्यता आ चुकी है। तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने देखा कि अब काम करने के लिए नरम दल के साथ मिलकर ही काम करना होगा। मतलब कांग्रेस ये जो दो दलों में बट गया है, अगर ये दोनों मिल जाएँ, एक साथ हो जाएँ, तो काम करना आसान हो जाएगा, और इसलिए ये इसके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एनी बेसेंट जो थी, वो राजनीतिक रूप से अब सक्रिय हो चुकी थी और ये भी यही चाहती थी कि गरम दल और नरम दल के नेताओं के मध्य समझौता हो जाए और वो मिलकर के काम करेंगे, जिससे कि ब्रिटिश सरकार को चुनौती देना आसान हो जाएगा। तो इधर से नरम और जो एनी बेसेंट थी, वो कांग्रेस के अधिवेशनों में भी अब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी थी। तो नरम दल की तरफ से एनी बेसेंट ने प्रयास किया गरम दल के नेताओं को करीब लाने का, और गरम दल के नेता में बाल गंगाधर तिलक ने पूरा प्रयास किया कि गरम दल के नेताओं को नरम दल के साथ मिलाकर काम किया जाए। तो देखिए क्या होता है कि 1916 ईस्वी में जो लखनऊ समझौता लखनऊ में होता है, लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो होता है, तो लखनऊ समझौते के तहत एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से नरम दल और गरम दल के मध्य समझौता होता है और ये दोनों दल एक दूसरे के निकट आते हैं और मिलकर काम करने को तैयार हो जाते हैं। देखिए, परिस्थितियाँ बनती चली जा रही थी कुछ इस तरह की कि जो अलग विचारों के नेता थे, नरम दल और गरम दल, जिनके विचार बिल्कुल भी नहीं मिल रहे थे, जिस कारण 1907 में कांग्रेस का विभाजन भी हो गया, लेकिन ऐसी परिस्थितियां बनती चली गई कि अब ये लोग मिलकर काम करने को तैयार हो गए और 1916 में एनी बेसेंट और तिलक जी के प्रयास से दोनों दल अब करीब आ चुके हैं और मिलकर काम करना के लिए तैयार हो चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ नरम दल और गरम दल के मध्य क्या समझौते के कारण थे और कब इनका समझौता हुआ, आप अब ये समझ गए। समझौता तो 1916 में ही होता है, लखनऊ अधिवेशन में।
अब हम देखेंगे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौते का क्या कारण था, क्योंकि मुस्लिम लीग की स्थापना ही कांग्रेस के विरोध के लिए बनाई गई थी। तो आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां अब आ खड़ी हुई कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग, जो एक दूसरे के एकदम विरोध में थे, अब कैसे एक साथ मिलकर काम करने को तैयार हो गए। तो हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। जैसा कि देखिए जब हमने मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में यूनिट नंबर 7 में पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि कुछ मुसलमान नेताओं ने मांग की थी कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की जाए, जो 1909 ईस्वी के मार्लेमिंटो सुधार में स्वीकार भी किया गया था। और ये कहा गया था मुसलमानों से कि हम तुम्हारी ये शर्त तो मानेंगे, तुम इसके बदले एक ऐसी पार्टी की स्थापना करो जो कांग्रेस का विरोध करे, क्योंकि इनका मकसद था फूट डालो, शासन करो। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य जब समझौता होता है, तो देखिए जब 1909 ईस्वी के मार्लेमिंटो सुधार के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल दिया जाता है, पृथक निर्वाचन मंडल की स्वीकृति जब दे दी जाती है, जिससे कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट थी, खुश नहीं थी कांग्रेस इससे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब समझौता होता है तो देखिए कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करना पड़ता है, तभी लोग क्या होते हैं, करीब आ पाते हैं। तो अब कांग्रेस जिस बात से असंतुष्ट थी कि मार्लेमिंटो अधिनियम में पृथक निर्वाचन मंडल की स्वीकृति दी गई थी मुसलमानों को, तो इससे वो संतुष्ट नहीं थी। लेकिन इस समझौते में कांग्रेस इस बात को स्वीकृत कर लेती है। देखिए 1909 ईस्वी में मार्लेमिंटो सुधार से कांग्रेस असंतुष्ट थी, क्योंकि इसमें पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकृत किया गया था। लेकिन अब कांग्रेस समझौता करने को तैयार थी, मतलब अब कांग्रेस कह रही है कि ठीक है, मुसलमानों को जो पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया था, जिससे हम असंतुष्ट थे, अब हम उसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि अब समझौता करना है तो कुछ बातों को नज़रअंदाज करना पड़ेगा। तो अब इसलिए कांग्रेस इस चीज़ को स्वीकार कर लेती है। देखिए 1911 ईस्वी में जब दिल्ली दरबार लगता है, तो उसमें बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया, जिससे कि मुस्लिम लीग असंतुष्ट हो गई। अब देखिए देखिए 1905 में जब बंगाल का विभाजन किया गया, तो हिंदू मुसलमान में फूट डालने के लिए अंग्रेज़ों ने ऐसा किया था। अब मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हो चुकी थी, और जब फिर 1911 में चल करके दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन रद्द किया जाता है, तो इससे मुस्लिम लीग असंतुष्ट हो जाती है। देखिए मुस्लिम लीग असंतुष्ट हो जाती है, क्योंकि अब ये देख रही है कि जिन चीज़ों पर अंग्रेज़ों ने, मतलब अंग्रेज़ों ने क्या कहा था, तुम अलग पार्टी बनाओ, हम तुम्हारा सहयोग करेंगे, तुम्हारी मांगों को पूरा करेंगे, लेकिन आगे चलकर कुछ ऐसा नहीं हो पा रहा था। मतलब जो चीज़ें थी वो ब्रिटिश सरकार अब कर नहीं रही थी, जिससे कि मुस्लिम लीग के नेता भी अब असंतुष्ट हो चुके थे पूरी तरह ब्रिटिश सरकार से। उसके अलावा एक और ये भी कारण था कि 1912 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने अलीगढ़ में जो अलीगढ़ कॉलेज था, उसको अलीगढ़ विश्वविद्यालय को बनाने की मांग की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसको पूरी तरह से इनकार कर दिया, जिससे कि मुसलमान असंतुष्ट हो गए। मुसलमानों ने ये कहा कि जो अलीगढ़ में कॉलेज है, हम उसको विश्वविद्यालय बनाना चाहते हैं, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, जिसमें ब्रिटिश सरकार का सहयोग चाहिए था। लेकिन ब्रिटिश सरकार इसको पूरी एकदम संपूर्ण रूप से इनकार कर देती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए कॉलेज तो आगे चलकर बनता है, आज अलीगढ़ में विश्वविद्यालय है भी, लेकिन तब इनकार कर देती है ब्रिटिश सरकार, जिससे कि अब मुसलमान फिर से असंतुष्ट हो गए। मतलब कहीं ना कहीं अब मुस्लिम लीग को भी सरकार की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही थी, जिससे कि वो अब पूरी तरह से असंतुष्ट हो चुके थे। अब देखिए उसके बाद अगला कारण है कि 1912-13 में बालकन युद्ध में ब्रिटेन ने तुर्की की सहायता से इनकार कर दिया, और तुर्की के शासक खलीफा होते थे जिनका कि मुसलमानों में काफ़ी सम्मान होता था, और भारतीय मुसलमानों की जो सहानुभूति थी पूरी तरह से तुर्की के साथ थी। ब्रिटेन द्वारा तुर्की का साथ न देने पर मुसलमान फिर से असंतुष्ट हो गए। देखिए यहाँ पर मुसलमानों ने ब्रिटिश सरकार से क्या कहा कि देखिए
मुसलमानों ने कहा कि देखिए तुर्की हार जाए इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें इससे बुरा नहीं लगेगा कि तुर्की हार गया। लेकिन तुर्की के जो खलीफा थे, तुर्की के शासक जिनको खलीफा कहा जाता था, खलीफा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं आना चाहिए, यानी कि खलीफा के अधीन जो क्षेत्र हैं, जो धार्मिक क्षेत्र हैं, वो उनके अधीन होना चाहिए, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए युद्ध का। तो ऐसा कुछ मुसलमानों को नज़र नहीं आ रहा था ब्रिटिश सरकार की ओर से, जिससे कि अब मुसलमान भी असंतुष्ट हो चुके थे। मतलब परिस्थितियां कुछ इस तरह थी कि कांग्रेस भी असंतुष्ट थी, मुस्लिम लीग भी अब ब्रिटिश सरकार से असंतुष्ट थी। तो अब मतलब जब इस तरह की परिस्थितियां बनती जाएंगी तो कोई भी चाहेगा कि अलग संगठन के साथ मिल करके यदि काम किया जाए तो ये अंग्रेज़ी सत्ता से निपटा जा सकता है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं स्वशासन इनको भी चाहिए था, मुसलमानों को भी अब स्वशासन चाहिए था कि अंग्रेज़ी सत्ता में हमें भी स्वशासन चाहिए, और कांग्रेस की भी यही मांग थी कि हमें स्वशासन चाहिए। तो उसके बाद देखिए 1913 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। देखिए जब मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में की गई थी तब मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस के सदस्य थे, और मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग की स्थापना का पूरा विरोध किया था कि जब भारत में कांग्रेस पार्टी है तो इसके समक्ष किसी अदर पार्टी की कोई आवश्यकता नहीं है, मुस्लिम लीग की स्थापना नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं लगती। मोहम्मद अली जिन्ना ने भी मुस्लिम लीग का विरोध किया था जब उसकी स्थापना की जा रही थी, लेकिन फिर भी कुछ अन्य मुसलमान नेताओं के द्वारा उसकी स्थापना की जाती है। लेकिन उसकी स्थापना के बाद भी बहुत सारे मुसलमान नेता आज़ादी तक कांग्रेस पार्टी के साथ ही जुड़े थे, और मोहम्मद अली जिन्ना भी तब कांग्रेस पार्टी के साथ ही जुड़े थे। 1913 में ये मुस्लिम लीग में शामिल होते हैं, और ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के साथ मिलकर काम करना चाह रहे थे, इसलिए ये इस समय दोनों पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए रहते हैं, मुस्लिम लीग की भी और कांग्रेस पार्टी की भी। देखिए मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों से मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया कि अंग्रेज़ी सत्ता में स्वशासन पाने के लिए कांग्रेस के साथ मिलकर कार्य करना होगा, क्योंकि अब कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग भी ब्रिटिश सरकार से असंतुष्ट थी और अब इन्हें भी स्वशासन चाहिए था, और कांग्रेस भी स्वशासन चाहती थी। तो अब इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना के पूरे प्रयासों से क्या किया गया कि मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया कि अंग्रेज़ी सत्ता में स्वशासन को पाने के लिए यदि किसी अन्य संगठन के साथ कार्य करना, मिलकर काम करना पड़ रहा है तो हम करने को तैयार हैं। और देखिए अन्य संगठन में कांग्रेस ही एक पार्टी थी जिसके साथ मिलकर काम करना था, यानी कि पूरा मतलब यही था कि अब मुस्लिम लीग भी कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने को तैयार है, क्योंकि अब दोनों के उद्देश्य समान है, स्वशासन चाहिए इन्हें भी और स्वशासन चाहिए कांग्रेस को भी। तो अब देखिए उसके अलावा देखिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार की जो दमनकारी नीतियों से मुसलमान जो युवा थे वो भय का वातावरण उनमें व्याप्त हो गया था। देखिए एक अल हलाल समाचार पत्र था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का, इसका भी दमन किया गया, और कॉमरेड जो कि मोहम्मद अली का पत्र समाचार पत्र था इसका भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा दमन किया गया। तो ये सब कारण बनते चले जा रहे थे कि अब मुस्लिम लीग भी कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने को तैयार थी। तो अब देखिए जो कि मुस्लिम लीग की स्थापना ही कांग्रेस का विरोध करने के लिए किया गया था, लेकिन ऐसी परिस्थितियां बनती चली गईं कि अब दोनों ही मिलकर काम करने को तैयार हैं। अच्छा देखिए यहाँ पर एक बात मैं और आपसे कहूँगी कि जब मोहम्मद अली जिन्ना का नाम आता है तो पाकिस्तान का ख्याल आता है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की। देखिए जब ये समय चल रहा है, लखनऊ समझौता 1916 में हुआ, उसके पहले ये सारी परिस्थितियाँ कुछ इस तरह से बनती गईं, और 1913 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में शामिल हुए और कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने को तैयार हुए, तो उस समय पाकिस्तान नाम की विचारधारा अभी तक भारत में जन्म नहीं ली थी। यहाँ पर अभी मोहम्मद अली जिन्ना का भी उद्देश्य यही था कि हमें ब्रिटिश सत्ता में स्वशासन चाहिए, मतलब पाकिस्तान जैसी कोई विचारधारा नहीं थी। लेकिन देखिए ये जो लखनऊ समझौता होता है इसमें कुछ इस तरह के समझौते होते हैं, कुछ इस तरह के जो आगे चलकर बंटवारे के कारण बनते हैं और फिर भारत दो भागों में बढ़ जाता है, भारत और पाकिस्तान।
तो यहाँ पर देखिए 1915 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन साथ साथ होने लगा। देखिए कांग्रेस की तरफ से बाल गंगाधर तिलक ने प्रयास किया मुस्लिम लीग के साथ मिलकर काम करने का, और मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना ने पूरा प्रयास किया कांग्रेस के साथ मिलकर कार्य करने का। तो दोनों के प्रयासों से, कांग्रेस की तरफ से बाल गंगाधर तिलक, मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना, दोनों के प्रयासों से ये दोनों दल, ये दोनों पार्टियां करीब आती हैं, निकट आती हैं और साथ मिलकर कार्य करने को तैयार हो जाती हैं। दोनों का उद्देश्य स्वशासन है। और देखिए 1915 से ही अब दोनों पार्टियों का जो अधिवेशन था वो साथ साथ होने लगा। तो देखिए 1915 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन साथ साथ होने लगा, और 1915 में इनका अधिवेशन बम्बई में हुआ था। उसके बाद 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन जो था लखनऊ में आयोजित किया गया, जिसमें दोनों दलों के मध्य समझौता होता है और उसी समझौते को लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और देखिए तब मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू और मुस्लिम के बीच में एकता लाने के लिए ही दोनों दलों को, दोनों पार्टियों को एक साथ काम कराना चाहते थे। मतलब चाहते थे कि दोनों पार्टियां मिलकर के साथ काम करें, जिससे कि हिंदू और मुसलमान के बीच में एकता की भावना फिर से जागृत हो सके। तो इसलिए उस समय भारत की कोकिला सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता के अग्रदूत कहा। मतलब सरोजनी नायडू ने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है हिंदू मुस्लिम एकता के अग्रदूत हैं। इन्होंने उनको उपनाम दिया। किसने? सरोजनी नायडू ने कहा ये बात, क्योंकि उन्होंने ही, उन्हीं के प्रयासों से ये हो पाया कि दोनों पार्टियाँ मिलकर काम करने को अब तैयार थीं। तो देखिए लखनऊ जो समझौता होता है उसकी क्या मुख्य बातें हैं, उसमें क्या समझौता हुआ, क्या बातें हुई, क्या मांग की गई। तो पहला है कि भारत में स्वशासन। अब दोनों पार्टियां चाहती हैं कि भारत में स्वशासन हो। और देखिए पृथक निर्वाचन मंडल, जो कि मैंने आपको बताया कि 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में जो मुसलमानों को दिया गया था, जिससे कि कांग्रेस असंतुष्ट थी, अब कांग्रेस ने भी इसको स्वीकार कर लिया, क्योंकि अब समझौता करना है तो कुछ चीज़ें माननी पड़ेंगी। अगली बात, भारतीय मामलों के राज्य सचिव का वेतन जो है भारतीय कोष से नहीं बल्कि ब्रिटिश खजाने से दिया जाएगा। मतलब इन्होंने ब्रिटिश सरकार से ये मांग की कि जो भारत सचिव है उनको वेतन दिया अगर जाता है तो भारतीय कोष से नहीं दिया जाना चाहिए, भारत के खजाने से नहीं, जबकि ब्रिटिश खजाने से दिया जाएगा, जिससे कि भारत पर इसका बोझ ना पड़े। उसके अलावा केंद्रीय सरकार में मुसलमानों को एक तिहाई प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। ये सब मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य जो समझौता हुआ उसकी मुख्य बातें हैं। जो समझौता हुआ यही सारी चीज़ें हैं। अगला पॉइंट है प्रत्येक प्रांत के लिए प्रांतीय विधान मंडलों में मुसलमानों की संख्या निर्धारित की जाएगी। अगली बात यह है कि यदि किसी विधेयक पर अल्पसंख्यक को आपत्ति होगी तो उसे पारित नहीं किया जाएगा। जैसे अगर कोई विधेयक पारित करना है और वहाँ के जो अल्पसंख्यक लोग हैं अगर उससे वो राज़ी नहीं है तो उस विधेयक को पारित नहीं किया जाएगा। अगला पॉइंट है कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक कर दिया जाए। ये भी एक मांग की गई कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को, दोनों को एक दूसरे से अलग कर देना चाहिए, अलग कर दिया जाए। अगला पॉइंट है विधान परिषद का जो कार्यकाल है उसको बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया जाए। उसके बाद अगला पॉइंट है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के आधे सदस्य भारतीय होंगे। तो ये लखनऊ समझौते की मुख्य बातें हैं, आप इनको याद रखिएगा। अच्छा देखिए अब इसका प्रभाव देख लेते हैं कि जब लखनऊ समझौता हुआ तो फिर उसका क्या प्रभाव सामने आया। देखिए दोनों पार्टी मिलकर समझौता करती हैं किस लिए, कि हिंदू और मुसलमान के बीच में एकता लाई जा सके, जिससे वो मिलकर फिर से काम कर सकें। तो देखिए लखनऊ समझौते का प्रभाव क्या पड़ा। देखिए लखनऊ समझौते में जो भी समझौता किया गया उसका प्रभाव ये पड़ता है कि देखिए शुरुआती दिनों में तो हिंदू और मुसलमान के बीच में एकता देखने को मिलती है, जिससे ब्रिटिश सत्ता की फूट डालो शासन करो की नीति पर झटका लगता है, क्योंकि 1905 के बंगाल विभाजन का महत्वपूर्ण उद्देश्य अंग्रेज़ों का यही था कि हिंदू मुसलमान को बांट दिया जाए,
जिसके एक वर्ष बाद ही मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। लेकिन 1916 के लखनऊ समझौता से अब दोनों पार्टियां करीब आ चुकी हैं और मिलकर काम करने को तैयार है, जिससे कि हिंदू और मुसलमान के मध्य एकता देखने को मिलती है, जिससे कि अंग्रेज़ों की फूट डालो और शासन करो की नीति पर झटका लगता है। देखिए, ये जो समझौता था, शुरुआत में हिंदू और मुसलमान के एकता के प्रतीक के रूप में देखा गया। जब ये समझौता हुआ तो इस तरह का देखा गया कि हिंदू मुसलमान के मध्य पुनः एकता स्थापित हो चुकी है, लेकिन ऐसा आगे चलकर भविष्य में मतलब ऐसा नहीं हो पाया। ये एकता कुछ ही दिनों तक रही, कुछ ज़्यादा वर्ष तक ये एकता टिकी नहीं रही, और जो कुछ भी समझौता इसमें किया गया था वो आगे चल कर के सांप्रदायिक का कारण बनता है, जिससे कि भारत के विभाजन तक की बात चली जाती है और अंततः 1947 में भारत के विभाजन का कारण यही बन जाता है। मतलब इस समझौते को शुरुआती में तो हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में देखा गया, लेकिन इसमें कुछ समझौते ऐसे भी हो गए जो कि सही नहीं थे, और सांप्रदायिकता के कारण हिंदू मुसलमान में क्या होता है कि अलग राष्ट्र की मांग की जाती है। पाकिस्तान की मांग मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ही की जाती है 1940 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें, और फिर 1947 में भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्रों के रूप में इनका विभाजन हो जाता है और 1947 में अंग्रेज़ों की सत्ता से हम आज़ाद हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो ये लखनऊ समझौता है, ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है और उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। तो आपका एक और टॉपिक अभी बचता है यूनिट नंबर 8 का, वो है होम रूल मूवमेंट। तो होम रूल मूवमेंट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, तो उसके लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। बाकी उसके अलावा आप चाहे जो भी सब्जेक्ट बीए फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं तो सभी की क्लास चैनल पर चल रही है, उसके लिए भी आप विज़िट कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।